नमस्कार। आज हम रोटिस्ट फोरम के तरफ से योगी अंतरंग आनंद हमारे मनोज चौहान जी को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे प्रोटिस्ट हैं। इन्होंने अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं। अमरावती में इन्होंने जो डैम बन रही है पूरे विदर्भ में, उस डैम का जो भूमि अधिग्रहण कानून, जो लैंड एक्विजिशन है, उस लैंड एक्विजिशन के तहत मनोज चौहान जी आज आपको दिख रहा है, मंच पर बैठे हैं, जहां आप दो दिन से आप न्यूज देख रहे हैं कि आमरण अनशन यानी जो तो आइए हम मनोज चौहान जी से सामने सीधे हम वार्तालाप करते हैं और हम समझते हैं कि यह किस कारण से यह उपवास हो रहा है और इतिहास क्या है। मनोज चौहान जी बताइए। जी मनोज जी बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। आप हम लोग, मैं मनोज चौहान विदर्भ में से अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अभी अमरावती कलेक्टर ऑफिस के सामने हम लोग करीबन 300 से 400 लोग हम लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसके तहत किसानों की जमीन खरीदना, संपादित करना बहुत जरूरी था, एक्वायर करना, लेकिन उन्होंने उस समय कानून होने के बावजूद, 1894 का कानून होने के बावजूद भी उन्होंने सीधे खरीदी करके किसानों को पूरी तरह से जमीन मैंने रास्ते पर लाया। 80,000 से रुपए से लेके 2,500,000-2,500,000 रुपए तक की जमीन किसानों की खरीद ली। कम से कम 2007-06 से लेके 2013 तक का ये प्रोग्राम उनका चला और इस बीच में करीबन विदर्भ में 16,000 हेक्टर से अधिक जमीन को इन्होंने बहुत कम दामों में खरीदी कर लिया। जबकि कानून मैंने 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो कानून होने के बावजूद भी इन्होंने एक जीआर निकाला और जीआर के तहत इन्होंने इतनी सारी जमीन किसानों से कम दाम में हड़प ली, जिसके कारण किसानों को जो मुआवजा मिला वो मुआवजे में उन्होंने कहीं और उनकी जमीन खरीद नहीं सके और वो रास्ते पर आ गए। आज उनके पास में अपना भरण पोषण करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो जमीन थी उनके बाप दादाओं की जो जमीन थी वो जमीन चली गई, अब उनके पास में कोई चारा नहीं रहा। इसलिए हमने कम से कम 5-6 से एक मूवमेंट चलाया है, जिसके तहत गवर्नमेंट को हमारी व्यथाएं हमने बोली और हमको न्याय देने की अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमारे इस प्रश्नों को लेके, इस समस्या को लेके कोई भी न्यायपूर्वक भूमिका नहीं ली। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस अमरावती के सामने यहाँ पे 300 से 400 से लोग यहाँ पे आमरण उपोषण पे बैठे, जहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं। और अभी मैं जो लाइव बोल रहा हूँ तो अभी रात के करीबन 12 बजने को आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग अभी सोए भी हैं और यही रास्ते पे घुमाते हुए दिखाइए। जी 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 बोलते रहिए। और ये इस कारण आज हमको रास्ते पे आना पड़ा। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी यहाँ पे है, जो और मैंने हमको इस तरह का ये कदम उठाने पर मजबूर की। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो समस्या है उसका गवर्नमेंट ने हल निकालना चाहिए और एक्चुअली ये जो बात है ये न्यायपूर्ण भूमिका गवर्नमेंट की होना चाहिए प्रथम वस्तु के संदर्भ में। आज अगर सही मायने में बोला जाए तो जितने भी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में डैम बने हैं, अमरावती विभाग में, विदर्भ में, नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन, इसमें 11 जिले आते हैं और 11 जिलों में ये जो इसका जो अनुशेष था, जल सिंचाई का जो अनुशेष था,
जो बैकलॉग था उन्होंने उसको पूरा करने के लिए पहले तो इन्होंने शुरुआत में तो बिल्कुल विदर्भ को सिंचाई के संदर्भ में कोई विचार नहीं किया था, और लेकिन विदर्भ के लोग कोई उग्र आंदोलन ना करे, इनके इनको कोई इस बात की भनक ना लगे, इस कारण उन्होंने 2006 से एक इसको एक सर्कुलर पास किया और उसके तहत विदर्भ का जो सिंचाई का बैकलॉग है उसके तहत फटाफट इन्होंने करीबन 200 से अधिक डैम को सम्मति दी, मान्यता दी, और 200 से अधिक डैम विदर्भ में बने जिसके तहत सीधी खरीदी किसानों से की गई, जबकि आवश्यकता से अधिक प्रमाण में इन्होंने खरीदी की। और आज हमारे पर यह अन्याय जो हुआ है गवर्नमेंट का, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। 6 जून 2006 को एक जीआर निकाला और 6 जून 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक इन्होंने ये काम किया, ताकि इसको मालूम था कोई भी कानून अगर आता है बनता है नया तो उसकी ब्लूप्रिंट कम से कम 6-7 साल पहले तैयार होती है, और इनको उस समय मालूम था कि अगर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आएगा तो उसके तहत किसानों को 4-5 पट मुआवजा देना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट को बिल्कुल माने बहुत पैसा जाएगा। इसलिए उन्होंने, अब आम इंसान को क्या पता है कि कोई कानून आने वाला है जिसके तहत हमको आज अगर 1 लाख है तो उस समय हमको 5 लाख मिलेंगे, ये कोई भी उनके दिमाग में नहीं था। इसलिए कि ना किसानों ने भी, चलो भाई जिस सिंचाई की व्यवस्था होगी हर किसान एक खुशहाली में जिएगा, हरित क्रांति होगी, इसको एक अच्छे माने विचार लेके गवर्नमेंट को सीधे हाथ इन्होंने सपोर्ट किया, और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन्होंने उनको 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया, और जिन किसानों ने इनको सहयोग किया, जिनकी जमीन के आधार पर इतने बड़े डैम बने, और आज की कंडीशन में जितने भी डैम बने उसमें पानी का एक बूंद नहीं, और जमीनें इन्होंने 7-8 साल पहले खरीदी कर दी कम दाम, ये बिल्कुल सरासर अन्यायकारक भूमिका है। जबकि ये सरकार हमारी है जिन्होंने जो हमारे बीच में से विधानसभा में या फिर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोगों को जो आमदार एमएलए है, आमदार है, खासदार है, ये लोगों को पता होने के बावजूद कोई भी सर्कुलर पास होता है तो विधानसभा से या तो भी लोकसभा से पास होता है, और लोकसभा में जो नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो आम जनता के बीच में से ही तो चुनकर जाते हैं ना, तो ये जाने के बाद में इनको सब पता होना चाहिए था कि भाई ऐसा कानून आ रहा है, एक सर्कुलर निकला जिसके साथ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इनकी जमीनी बहुत कम दाम में ली जाएगी, तो ये जनता से जब चुन कर जाते तो इनका काम था कि जनता को आगाह करना, क्योंकि आप जमीन मत देना, अंदर की बात बोलना था कि जमीन अब देना मत, इसका विरोध करो, लेकिन किसी भी एमएलए ने या किसी भी सांसद ने इसका कोई किसी किसान को जागृत नहीं किया, और जागृत न करने के कारण एक एजेंसी के द्वारा, जल सिंचाई की जो एजेंसी है उसके द्वारा इस सभी जमीन जो 16,000 हेक्टर से अधिक जमीन को सीधे खरीदी के तौर पर इन्होंने खरीदी कर लिया, और उस जो खरीदी का एक ड्रॉप बनाया उस ड्रॉप में उन्होंने सीधा लिखा कि मैं अपनी जमीन अपनी खुशी से दे रहा हूँ, जो भी मुआवजा दे सरकार की तरफ से मुझे मिल रहा है वो मुझे मंजूर है, कोई नशापान न करते हुए, किसी के दबाव तंत्र में न आते हुए मैं अपनी जमीन दे रहा हूँ, और मैं आगे भी कई किसी कोर्ट में कुछ ज्यादा मुआवजे के लिए डिमांड नहीं करूंगा, या फिर परिवार के किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस लगाने के लिए शासकीय सेवा में समाविष्ट करने के लिए भी मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोलूंगा। ये सारे जो संवैधानिक अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार को भी उन्होंने चूर चूर कर दिया, जबकि संवैधानिक अधिकार हमारे से छिन गए, कोर्ट में जाने का संवैधानिक अधिकार था, अगर 1894 के कानून के तहत हमारी जमीन इन्होंने अधिग्रहित की होती तो हमको कोर्ट में हमको आवाज उठाने का एक प्रावधान था, कोर्ट में हम लोग केस रिट दाखिल कर सकते थे और उसके कोर्ट हमको ज्यादा मुआवजा दे सकते थे, कई केसेस थी जो 1894 हो या 64 कलम के अंतर्गत, 64 कलम सेक्शन 64 के अंतर्गत जो अभी नए कानून में भी प्रावधान है, 2013 का जो कानून आया है भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें भी प्रावधान, जबकि इस प्रावधान होने के बावजूद भी इन्होंने हमको पूरी तरह से लूट लिया। अब इसके कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं
और जो आप कह रहे थे कि जो लिखवाया है उन लोग, तो उस समय कोई उसमें मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं था, और वो लिखवाने में उनको साथ शक्ति किया कि आप, मैं अपनी इच्छा से ये जमीन दे रहा हूँ। और नहीं नहीं, वो ड्रॉप जो है वो ड्रॉप उन्होंने ही बनाया, और ड्रॉप बनाने के बाद में सीधा रजिस्टर ऑफिस गए। रजिस्टर ऑफिस में केवल किसानों को सिग्नेचर करने तक ही सीमित रखा, उनको कोई नहीं बताया कि तुमको ये दाम दिया जा रहा है और इस आपका ड्रॉप में ये लिखा है, कुछ भी नहीं, केवल सिग्नेचर ले लिया और फाइनल कर दिए। ये उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैं इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, कि हाँ अपनी इच्छा से दे रहा हूँ और सभी झाड़ पौधे सहित मैं दे रहा हूँ, मैंने कोई अधिकार नहीं रखा उसमें। और मतलब जो 2013 जो ओरिजिनल दाम था वो भी नहीं मिला क्या? ओरिजिनल दाम 1894 का जो कानून बना था, वो कानून के तहत अगर ये लेते तो उसके अनुसार भी हमको मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि ये बोला गया कि आपको जो कानून के अगर तहत 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अगर लेते तो आपको कम दाम मिलेंगे, हम इसमें सीधी खरीदी जो कर रहे हैं उसमें आपको हम मुआवजा ज्यादा दे रहे हैं। बल्कि ये सब झूठ बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बदमाशी अधिकारी स्तर पर हुई। और केवल अधिकारी इसमें समाविष्ट नहीं है, इसमें जनप्रतिनिधि मंत्रियों का भी हाथ है। ये बड़े बड़े जो बैठे थे विधानसभा लोकसभा में, जो महासचिव प्रधान सचिव है, इनकी पूरी ये एक पॉलिसी थी किसानों को लूटने की, इसलिए इसलिए इन्होंने ये कर दिया। जी जी कंटिन्यू। हाँ बोलिए। तो और तो अभी का आज का दूसरा दिन है, तो अभी तक क्या आपके कुछ कुछ आपको उधर से सरकार के तरफ से कुछ बातें या कुछ पता चला है? आप लोगों ने कहाँ कहाँ ज्ञापन भेजा है और कुछ उधर से कुछ बातें आई है, और कहाँ कहाँ से आपको समर्थन मिला और क्या हुआ अभी तक? हम लोग कल 11 बजे से 4 मार्च से हम लोग यहाँ पे 11 बजे से बैठे हैं, और 11 बजे से बैठने के बाद आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी के लेवल पे, कलेक्टर हो या फिर कमिश्नर हो या फिर सिंचाई विभाग के बड़े वरिष्ठ अधिकारी हो, किसी ने भी हमारा हमको हमसे बात करने के लिए आए नहीं है, किसी ने भी हमारी मुलाकात नहीं की, हमारी समस्या के संदर्भ में किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमको आशा थी कि आज कोई मंत्री वगैरह आएंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, और सत्र चलने के कारण आज तो सैटरडे था, कल संडे है, सैटरडे और संडे को तो सभी जो एमएलए हो या फिर मंत्री हो अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, आज सभी जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र पे है, उनको पता है कि यहाँ पे अनशन चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई अभी तक हमको मिलने नहीं आया, हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश किसी ने अभी तक तो नहीं की। अभी रात के 12 बज चुके हैं, अभी तो कोई आशा है नहीं है, कल का पता नहीं अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल तो संडे है, कल तो पता नहीं क्या चांसेस है। तो बगल में काका जो बैठे हैं उनका परिचय दीजिए। ये हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, राजा बहु काले करके है, इनकी भी जमीन बहुत गई है। ये तो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ 15 साल पहले जिस समय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तालुका अमरावती में ही है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है ये, चांदूर बाजार तालुके से आते हैं, जो बच्चू कड़ू, जहाँ के बच्चू कड़ू अभी जो मंत्री सिंचाई मंत्री जो है राज्य मंत्री, उनके मत विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। और पुराने जो सिंचाई मंत्री थे सुनील देशमुख, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस डैम का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था, वो इन्हीं के गांव के थे, सुनील देशमुख करके। आज वो उनके गांव के कई महिलाएं यहाँ पे आई है, अनशन पे बैठी है, ये बुजुर्ग आदमी है, इनके जैसे काफी लोग है जो आज हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हैं, सोए बहुत से बुजुर्ग लोग है जिनकी हालत जो शारीरिक जो है बहुत ही नाजुक है, फिर भी अनशन पे बैठे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि अगर हम लोग बैठेंगे, हमारा कुछ त्याग से कुछ मिलता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम वो फायदेमंद होगा, ये आशा के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन पता नहीं अब आशा की निराशा होगी या आशा हमारी पल्लवी थी। चलिए बहुत। और मनोज जी कल हम लोग देखेंगे।
अभी मैं आपके सामने भी हूँ, तो हम लोग आशा है कि ईश्वर की कृपा से सफलता तो मिलेगी। हमारे प्राउड के सारे सभी साथी आपके साथ हैं और कल से विदर्भ समाज के लोगों को भी हम लोग आगे लाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ही मुद्दा था जो हमारे माने जो क्या बोलते धोरणात्मक जो ये थे हमारे पॉलिसी मैटर जो था, पॉलिसी मैटर में हमारे तीन डिमांड है, इसमें से एक के संदर्भ में आपके साथ में मैंने डिस्कशन किया, दो के बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा। वैसे डिमांड को एक बार और रिवाइज कर दीजिए आप, कौन कौन डिमांड है आपके? हाँ, हमारी जो पहली डिमांड जिसके संदर्भ में मैंने आपसे पूरी जानकारी के साथ बात की, हमारा कहना यही है कि 2006 जून 2006 तीनों डिमांड को फिर से बोल दीजिए। हाँ, पहली डिमांड हमारी है कि 2006 जून 2006 से जिन्होंने सीधी खरीदी की जीआर के आधार पर, वो हमको चाहिए कि 2000 सीधी खरीदी धारक किसानों को 2013 के कानून के तहत मुआवजा जो है बढ़ा के मिलना चाहिए। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है हमारी, गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानून के तहत में प्रकल्प ग्रस्त किसान के घर मैंने परिवार से एक व्यक्ति को शासकीय सेवा में समाविष्ट करने का प्रावधान है, 5% उसके संदर्भ में आरक्षण किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस आरक्षण को अभी तक अमल में नहीं लाया, इसके कारण लाखों की तादाद में प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेकारों का आंकड़ा बढ़ा है। और हम लोग ने यही कहा कि 5% जो आरक्षण है वो आरक्षण बढ़ा के समांतर आरक्षण 15% करे, और समांतर आरक्षण 15% करने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट हमको सेवा में नहीं ले सकती है तो प्रकल्पग्रस्त परिवार से एक व्यक्ति को मिनिमम 20 लाख रुपए एक मुश्त रकम दी जाए जिसके तहत वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि आज 2022 चालू है और हमको पुनर्वसन जो होता है, जो रिहैबिलिटेशन होता है पुनर्वसन, वो पुनर्वसन 1990 का है, माने 1999 का ये कानून हमको लगा है, पुनर्वसन कानून, जबकि आज 2022 चल रहा है। हमारा ये कहना है कि वो कानून रद्द हो चुका है, अभी हमको 2013 का भू संपादन पुनर्स्थापना पुनर्वसन कानून के तहत हमको पुनर्वसन हमारा किया जाए और सारी सुविधा हमको दी जाए। ये तीन जो पॉलिसी मैटर है इस पर गवर्नमेंट ने ही निर्णय लेना है जी। तो इसमें बहुत अच्छा है, तो मैं अंत में यह बताना चाहूंगा प्राउड की जो विचारधारा है, हमारे मनोज चौहान जी एक प्राउडिस्ट भी हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्राउड की विचारधारा जो श्री प्रभात रंजन सरकार का कहना है कि विदर्भ एक सामाजिक आर्थिक इकाई है और आज पूरे विश्व में जो सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की जो आवश्यकता है, जो राजनीतिक आजादी जहां भी है वहां पर आर्थिक आजादी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होने के कारण ये दिक्कतें हैं। तो प्राउड कहता है कि जो जो भी अर्थ की जो भी विकास का जो निर्णय होगा वो वहां के स्थानिक आदमियों के हाथ में होगा, यानी विदर्भ के लोगों के पास यह निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वहां उनके गांव में विकास का कार्यक्रम किस प्रकार होगा, डैम बनना है तो किस प्रकार बनेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 200 से ज्यादा डैम बना दिए गए हैं, बन रहे हैं, और फिर भी आज उन वहां के किसानों से एक बार भी पूछा नहीं जाता है कि यह डैम कैसे बनना है, और यह तो बनने की बात, योजना बनाने की बात तो, और यहाँ पर यह भी नहीं होती है चर्चा कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। फिर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के बाद से जो कानून जो लागू होना चाहिए उसमें भी किसानों के आर्थिक स्वायत्तता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी, इसलिए यह एक आर्थिक आजादी की लड़ाई है जिसको हमें विदर्भ के किसानों के साथ देने की आवश्यकता है। और आज किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगी तो मानवता बचेगी। धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद सभी को, और आप लोग सफल हो, आपको सरकार सुने, यही हमारी सबकी प्रार्थना है और हमारा साथ है आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।